ಅವರಿಗಂತೂ ಈಗ ಮೆಜಿಕ್ ಟೇಪ್ ಕತ್ತಲೈತೆ ನಿಸ್ನ ಅಜಿತಿ ಬಸ್ ಸುಂದರ ತಾನ ಅಮಿ ಅಮಿಗೆ ಮತಾ ಕಾಣಿ ಅಮಿ ಬೇಶಿ ಖುಷಿ ಪೈಸೆ ಅರು ಅಮಿ ಬಿ ಏಕ ಅಮಾಕಿ ಅಸೆ ಅಮಿ ಬಚಕನ್ ಕಾಣಿ ಯುತ್ ಖನ್ ಕಾಣಿ ಕಿ ಮಾನ್ ಕಮ್ ಕೋಗೆ ನಾಸೆ ದುಮುಯ ಲಗಾ ಕಿ ಪ್ಲೇಸಿ ಗಾಸೆ ಇತು ದುಕಾನ್ ದೇಖಿ ಅಮಿ ತನ ಬಚಕನ್ ತನ ಚಕಕನ್ ಕಾಣಿ ದುಕಾನ್ ಕೋಗೆ ತು ಏಕದಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಕೋಗೆ ನಾ ना प्रॉस्पर कोई बहुत ताकत आरोपी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कोई बहुत ताकत की बात दोनों सुन लेकिन आप थोड़े उठी बो इन्हें वार्ता कांड खूब सुन बंद कांड की तो भाई को ना अगर जगह को देना नहीं ला पाता ना से तो आप कांड किसी पर तो काम दो अभी कांड आज सॉर्ट किया डेडिकेट कोई देना आज ही परसों कोई बोले ऐसे तो मन कोई बहुत की बात मन लेके आई बो खुशी पर आई बो मन खुश करने जाबो पैसा भी बनाए थकी बो इन्हें आप कोई देना नहीं पंसा अभी कांड स्टेज चलिए So in the name of God, I inaugurate and dedicate this store to the people of Dimapur, and may this business flourish, may our young entrepreneurs flourish so that they can, through this, as they flourish and as they become successful, they'll also be able to lift up and help the less privileged and the needy. This is so needed actually. Yeah, I'll also pick up some few things. मैं दिलीप शर्मा हूँ. मैं मी एंड मॉम्स का एरिया सेल्स मैनेजर हूँ एंटर नॉर्थ ईस्ट रीजन का. ठीक है, जितना भी स्टोर्स ऑपरेशन है, जितना भी स्टोर्स बीडीज है, ठीक है, इसको मैं हैंडल करता हूँ, और जितना भी अपकमिंग स्टोर्स है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ. तो आप सेल्स मैनेजर हो, आप बोल रहे हो जी जी जी. तो ये बताइए, मीन मॉम्स का तो ब्रांचेस अलग जगह पे भी है. जी जी जी. तो सेल्स कैसा है आपका? नहीं, सेल्स देखिए, नाउएडेज ये जो है बूमिंग मार्केट है, राइट. और आज के दिन में एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम ऐसा कंसेप्ट नहीं बनाएंगे ना, तो हमें अगर कोई बेबी के लिए कोई सामान लेने के लिए आता है, एक जगह पर एक सामान लेगा, वो सामान उस स्टोर में पूरा सामान नहीं मिलेगा, राइट, फिर दूसरे स्टोर में जाना पड़ेगा. मी एंड मॉम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर एक इवन मैटर्निटी से अगर कोई भी लोग आते हैं, कोई भी मदर्स आता है, राइट, तो उनको पूरा कंसेप्ट कंप्लीट रेंज उनको अप टू 4 ईयर्स तक का मिल जाएगा हमारे पास जो भी रेंज है. ठीक है, तो जैसे मी एंड मॉम्स में आने के बाद उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उनको कंप्लीट रेंज मिल जाएगा. हमारे पास जैसे अपारेल का सेगमेंट है, हमारे पास फुटवेयर है, हमारे पास फर्नीचर है, राइट, हमारे पास IFU का सेगमेंट है, राइट, हमारे पास टॉयज है, एंड हमारे पास सबका मैटर्निटी है, राइट. तो सारा कंसेप्ट हमारे पास मिल जाएगा, सारा सेक्शन. हाँ, मतलब जो एज पर मक्कर डिमांड जो भी स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए ना, सारा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. डिफिकल्टीज देखिए चैलेंजेस तो हर एक सेक्टर में रहता है, राइट. तो कंपटीटर्स इज ऑलवेज देयर, राइट. तो हमारा भी कंपटीटर्स है, राइट. सो एवरीवन हैव कंपटीटर्स. तो ऐसा नहीं, हमें उनके बारे में सोचना नहीं है, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम कस्टमर को क्या सर्विस दे सकते हैं जो कि हमारे पास रिपीट हो, राइट, जो क्या बेस्ट सर्विस दे सके उनको. लाइक हम लोग होम डिलीवरी भी कराते हैं, राइट, हम कॉलिंग से भी कस्टमर को वो कर सकते हैं, उनको हम ऑफर जो प्रमोशन चलाते हैं हम, राइट, कस्टमर्स का रिपीट बढ़ाने के लिए, उनको बेनिफिट मिलने के लिए, वो सारे एक्टिविटीज हम कराते हैं स्टोर में. ऐसे सेल्स मैनेजर, आपने नागालैंड का जो मार्केट एविलेट किया जी, इसमें आपको क्या एक अच्छा लगा कि हाँ, हमारा मी एंड मॉम्स भी फंक्शन अच्छा से हो सकता है और ये मार्केट भी बूम कर सकता है इस हिसाब से? फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट आपका दिमाग पूर्णा बाजार की? जी जी, ये स्टोर हमारा फर्स्ट स्टोर है मी एंड मॉम्स का. ठीक है, इससे पहले हमारा स्टोर नहीं था. तो हम लोग क्या करते थे कि हमें नए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलता है ना, सो हम लोग जाके फिर मार्केट रिव्यू करते, फिर फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ हम स्टोर्स स्टाब्लिश करते. तो हमें मार्केट पोटेंशियल लगा डिमापुर का. ठीक है, डिमापुर का मार्केट पोटेंशियल लगा, इसीलिए हम डिमापुर में पहले स्टोर ओपन करे. सो वी आर प्लानिंग टू अनदर मोर स्टोर इन चुमुक डिमा, उसके बाद फिर हमारा कोहिमा भी स्टोर आ रहा है. आप जिसने कहा फ्रेंचाइजी देते हो आप लोग, तो अगर आपका कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर आता है जी, तो उसके लिए कैसा क्राइटेरिया क्या है, उनको क्या? नहीं, क्राइटेरिया देखिए डिफरेंट होता है क्राइटेरिया, राइट. वो कुछ कमर्शियल्स होता है, वो कमर्शियल्स हमें शेयर करना होता है, फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके वजह से जिस भी पे हम फिर स्टोर करते हैं. सर, ये आपका जो शोरूम जो खुला हुआ है मी एंड मॉम्स बोल के, ये बच्चा लोग का कपड़ा और अलग अलग आइटम्स का है, तो ये कैसा, कब से स्टार्ट हुआ है और कौन ऑनर है और कहाँ का ब्रांच है इसका? ये तो आज ही स्टार्ट हुआ है डीमापुर में, तो अभी फर्स्ट ही शोरूम है, और इसके ओनर तो मैं भी हूँ और मेरा लड़का लोग सब काम कर रहा है, और ये धर्मचंद जी पाटनी है, इनका लड़का सब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और बच्चा लोग इंक्रीज करे इसके लिए हम लोग भी बच्चा लोग को करने के लिए अभी चांस दे रहा है, मौका दे रहा है कि तुम लोग करो. बच्चा लोग बहुत नागालैंड में आके बिजनेस करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है,
तो हम लोग भी इससे खुशी पाता है। तो सर ये आपने बोला कि नागालैंड में सिर्फ एक ही है, यस, तो ये ब्रांच बाहर जगह में और नागालैंड में भी है? दिमापुर में भी और होने वाला है, जस्ट एक तो चुम्मू के पास आने वाला है और दो तीन इधर में नहीं है, अभी आसपास में नहीं है। मी एंड मॉम का ये फर्स्ट शोरूम है दिमापुर में, आगे फिर आएगा? हाँ, और आएगा, कंपनी इंक्रीज करेगा, नागालैंड में भी आसाम में भी है शोरूम, और भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब लोग इसको यूज़ करेगा तो कम से कम बच्चा को एक सुंदरता भी मिलेगा, अच्छा लगेगा बच्चा। सब चीज़ इसमें ऐसा है, लगाने का भी है तो पहनने का भी है, तो बच्चा का जितना भी आइटम आता है सब बच्चा का आइटम इसके अंदर है, गाड़ी भी है। और हम लोगों ने तो देखा है ये बच्चों का क्लोथिंग से लेके, आपने जैसे कहा अभी, उनका केयर का जितना कुछ है सामान है, और अपने और फिर ये भी बताया कि बाहर भी है, नागालैंड का बाहर भी इसका ब्रांच है? अभी आसाम में तो है, काफ़ी ब्रांच है, अब धीरे 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 और बढ़ेगा। कैसा अगर ब्रांच जो है आपने उनके अंडर लिया हुआ है या फिर डायरेक्ट ओनर आप लोग हो इस शोरूम का? सिस्टम तो डायरेक्ट ओनर का ही है, लेकिन कंपनी का पूरा सपोर्ट रहता है, कंपनी पूरा सपोर्ट कर रहा है और अच्छा कंपनी है, इंक्रीज करने वाला कंपनी है। तो इस यहाँ पे जो प्राइस रेट कैसा होगा बच्चों के लिए, ये प्राइस रीजनेबल है सबके लिए की परचेस करें? रीजनेबल प्राइस ही होता है और इसमें बार्गिंग का कंपनी का रेट रहता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि कस्टमर जो भी ले रहा है उसको ये मन में विश्वास है कि मेरे को रेट सही लग रहा है। तो सर ये हम लोग ने देखा है कि बच्चे को क्लोथिंग जो है वो फर्स्ट क्राई में भी है, जेकिन जिल में भी है, तो आप लोग बच्चों का ही नहीं, सब बच्चों का सब रखते हैं, लेकिन ये स्पेशलिस्ट हो गया बच्चा के लिए। ये कंपनी का जितना प्रोडक्ट आएगा वो उसका शोरूम में आएगा ही आएगा, वो दुकान में इतना नहीं जाएगा। कोई भी शॉप है उसमें इतना आइटम नहीं जाता है, इतना प्रोडक्ट नहीं जाता है। कंपनी का सिस्टम यही है कि जो उसका शोरूम है उसमें पूरा प्रोडक्ट पूरा आइटम वो देता है। ये तो कस्टमर के लिए ये बेनिफिट है कि वो अगर यहाँ आएगा तो उसको बच्चा का हर चीज़ अवेलेबिलिटी में मिल जाएगा। ओके सर, अब अवेलेबिलिटी जो अभी आपके पास है स्टॉक है, लेकिन उसके बिना कस्टमर क्यों ही आपके इस शोरूम में मी एंड मॉम्स में आए, एक रीज़न तो होगा? मैंने बताया ना रीजन कि कंपनी दूसरी जगह भी अपने प्रोडक्ट देती है, लेकिन जो शोरूम में जिस हिसाब से पूरे प्रोडक्ट देती है उसमें जितना कंपनी का प्रोडक्ट बनता है वो सब प्रोडक्ट शोरूम में आता है, और वो स्पेशलिस्ट कुछ आइटम ऐसे बनाती है कंपनी जो उसके शोरूम में ही बिके। ये कस्टमर को एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि उसको वेराइटी, एवरीथिंग वेराइटी यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, तो एक प्राइस बताइए जो एक सस्ता सा प्राइस भी हो आपके शोरूम में, या फिर कितना से स्टार्ट होता है और कितना से? ये इतना कोई प्राइस नहीं है, जैसे आप देखिए ये है, ये न्यू बॉर्न बेबी का है, इसका प्राइस है कितना भैया? 699 इसका प्राइस है, तो वेरी रीजनेबल प्राइस, मतलब 300-400 से स्टार्ट होके 1000-1200 तक मिलेगा। एवरीथिंग प्रोडक्ट है और हर आदमी के लिए सूटेबल है, ये नहीं है कि बजट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बजट रहेगा आदमी के पास। तो लास्टली बता दीजिए हमारे कस्टमर व्यूअर्स को जो है आप लोगों के पास कैसे पहुँचे और कहाँ पे आप लोग लोकेटेड है? हम कस्टमर से यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर अपने बेबी के लिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए तो आप मी एंड मॉम में आइए। ये HDFC बैंक के सामने है, पुराना बाजार जगह है, वहाँ में आप आइए। राजस्थान भोजनालय इसके पास में ही है, किसी को खाना खाना है तो वहाँ भी जा सकता है, और सब चीज़ अवेलेबलिटी मिलेगी। मेरा शोरूम एक और है इवोक का, फर्नीचर का, वो भी पास में ही है, वो नारियल पानी जहाँ बिक्री होता है वहाँ में इवोक फर्नीचर का शोरूम भी है। तो जो भी आगे इलेक्ट्रिक का मेरा एक शॉप है पुराना बाज़ार में, तो जो भी कस्टमर आए वो सब जगह आए और परचेजिंग करें। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Jio TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.